आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अगर मम्मा को पता चलेगा कि मैं बाहर थी तो फिर मम्मा बहुत गुस्सा होगी। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊंगी तो मम्मा को पता चल जाएगा, मुझे कहीं और से जाना होगा। कौन? पिया आ गई बेटा। जी गुरु। बैठ। परी कहाँ है गुरुमा? अपने कमरे में सुबह से पढ़ाई में लगी है, बाहर भी नहीं निकली। तब से बाहर ही नहीं निकली? तू समझा के जो गई थी कि पढ़ाई करना। मैं उसे देखती हूँ। परी चली गई परी, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? ठीक ही होगी।
I'm sure. तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें तुम्हें खुश रखता होगा। आरुष तुम्हें शायद कुछ It's okay, Pia. तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। It's good. कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई। और ये सब तुम्हें किसने बताया? मैं सब जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी एक बेटी भी है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ काम से पापा की तुम्हारे पापा के घर आया था। तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आवाज सुनी थी। जल्दी आओ। हाँ बेटा आई। तो शादी कब की? मैं गैस तुम्हारी बेटी की आवाज सुन के लग रहा था कि वो 5-6 साल की तो होगी, मगर मुझसे जुदा होते ही तुमने शादी कर ली है ना? जवाब नहीं सुना तो सवाल क्यों पूछते हो? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है जो तुम सोचते हो, जो तुमने समझा है वही सच है, और उसी को सच मान के चलते हो। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारी मंगेतर कैसी है? I'm sorry, उर्वशी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है। और शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द। All the best. भगवान तुम दोनों को खुश रखे। भगवान तुम तीनों को भी खुश रखे। तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारी बेटी को। हम तीनों ऑलरेडी बहुत खुश हैं। थैंक यू। हाँ, दिख रहा है। इसलिए तो तुम अकेली आई हो ना? मैं अकेली आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं। और अकेले तो तुम भी आए हो, जबकि तुम्हारी तो नई नई एंगेजमेंट हुई। मैं यहाँ आया नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था। और हाँ, मेरी फियांसे मेरे लिए रोमांटिक डिनर डेट प्लान कर रही है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। यू सी, आई एम वेरी लकी, क्योंकि मुझे बहुत ही स्वीट और बहुत ही केयरिंग लड़की मिली है। लकी तो मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत स्वीट है। दिखने में तो टाइम लग रही थी। सिक्स इयर्स में तो वो फाइट का रीजन भी भूल गए होंगे, लेकिन अगर मम्मी पापा ने पैचअप नहीं किया तो है ना, तो फिर हम उनका पैचअप करवाएंगे। कैसे? उसका भी प्लान है मेरे पास। देखो तो वो अंश का बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है। आज रात हम दोनों अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और उनको बोलेंगे कि अपना गुस्सा थूक दे और फिर वापिस से दोस्ती कर ले। अगर उनकी दोस्ती हो गई तो फिर वो मॉन्स्टर आंटी का भी बैकअप हो जाएगा। किससे बातें कर रहे थे? अपने आप से। ये जितना भोला बनता है उतना भोला है नहीं, लेकिन मैं भी इसकी दादी हूँ। मैं भी देखती हूँ कब तक मेरी आंखों में धूल जमता है। तुम
अगर मम्मा को पता चलेगा कि मैं बाहर थी तो फिर मम्मा बहुत गुस्सा होगी। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊंगी तो मम्मा को पता चल जाएगा। मुझे कहीं और से जाना होगा। कौन? पिया? आ गई बेटा? जी गुरु। बैठ। परी, परी कहाँ है गुरुमा? अपने कमरे में। सुबह से पढ़ाई में लगी है, बाहर भी नहीं निकली। तब से बाहर ही नहीं निकली? तू समझा के जो गई थी कि पढ़ाई करना। मैं उसे देखती हूँ। परी, चली गई परी? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हाँ मम्मा। परी कहाँ थी आप? वॉशरूम में थी मामा। माँ आपको पता आज ना मैंने पूरे दिन पढ़ाई की। गुरुमा को तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, आप ही पूछ लो गुरुमा से। ठीक है। मामा मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं परी, बाद में। बहुत इम्पोर्टेंट है। परी कहा ना बाद में, हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।